नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिव प्रसन्नी और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बेहद ही अहम फैसला सुनाया है। यह फैसला कहीं ना कहीं उन महिलाओं को जरूर राहत देगा जो अपने ससुराल में मारपीट और प्रताड़ना जैसी दिक्कतों का सामना करती हैं। आपको बता दें, महिलाओं के प्रति होने वाली क्रूरता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि ऐसी महिलाएं जिन्हें ससुराल से भगा दिया जाता है या फिर वो ससुराल की क्रूरता और प्रताड़नाओं का सामना करने पर मजबूर हैं और इसलिए उन्हें मजबूरी में घर छोड़कर बाहर जाकर रहना पड़ता है, यानी अपना ससुराल छोड़कर कहीं और जाकर रहने को वो मजबूर हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब ऐसी महिलाओं को अपने वैवाहिक स्थल पर ही सिर्फ शिकायत दर्ज नहीं करानी पड़ेगी, बल्कि वो जहां रहने के लिए मजबूर हैं उस स्थान पर भी वो शिकायत दर्ज करा सकती हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, इस मामले में दहेज, प्रताड़ना, क्रूरता, मारपीट, गाली गलौज जैसे तमाम मामले शामिल हैं जिनका सामना कहीं ना कहीं महिलाओं को अपने ससुराल में करना पड़ता है। और देश भर में ना जाने ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो अपना ससुराल छोड़कर कहीं और रहने को मजबूर हैं और वो सिर्फ इसलिए अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा पाती क्योंकि उन्हें अपने ससुराल वापस जाना पड़ता है, यानी उनका जहां विवाह हुआ है उन्हें वहां जाना पड़ता है और इसलिए वो अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा पाती। और जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने आज ये एक अहम बड़ा फैसला सुनाया है जिससे कहीं ना कहीं उन पीड़ित महिलाओं को जरूर राहत मिलेगी जिन्हें ऐसी प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ रहा है और शायद आने वाले वक्त में ये मामले कम देखने को मिलेंगे। और अधिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।